महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ सक्करदरा चौक पर भाजपा रैली किया। किसानों से धोखाधड़ी और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों का विरोध इस मौके पर कार्यकर्ता द्वारा किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा राज्य के किसानों के साथ धोखाधड़ी करने और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाविकास आघाड़ी सरकार का तीव्र विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। महाबोगस आघाड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महाबोगस आघाड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सक्करदरा चौक पर महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ भाजपा ने जो एहकार किया उससे पूरा क्षेत्र सराबोर उठा था। महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीव्र विरोध कर INBCN समक्ष अपनी बात रखी। दर्शकों, INBCN की टीम आज सक्करदरा चौक पे आई है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाविकास आघाड़ी सरकार का उनके खिलाफ पूरा विरोध प्रदर्शन यहां पे किया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते महाविकास आघाड़ी का ये पुरजोर विरोध करे। इस समय में हमारे साथ में देवेंद्र दसूरी जी है, उनसे जानना चाहेंगे। दसूरी साहब, ये बताए कि जिस प्रकार से ये विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? पिछले 3 महीने से महाविकास आघाड़ी की सरकार है, और जिस समय बारिश हुई और खेती करने वालों को जब बताया गया कि आपको 25,000 और 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और उस समय ऐसा बोलते हुए आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी किया नहीं। जो देवेंद्र जी के समय पर जो उन्होंने खेती करने वालों को जो 7-12 कोरा करेंगे ऐसा बोला, और ऐसे समय पर उन्होंने बोला कि जो कर्ज है, जो उनका जो लोन है वो माफ़ करेंगे, और वो अभी तक, उस समय देवेंद्र जी थे तब तक हुआ, उसके बाद में बिल्कुल वो प्रोसेस बंद कर दी। तो इसका मतलब ये है कि इनको ये देश विरोध, महाराष्ट्र के विरोधी काम करना है लगातार। और इस पर से ये पता चल रहा है कि इन्होंने अभी नागपुर शहर में और विदर्भ में और महाराष्ट्र में उस समय जो वर्क ऑर्डर जो निकले, जो काम बंद किए, यहाँ पर आप देखेंगे आधे आधे सीमेंट रोड बने हैं, आधे आधे फ्लाईओवर्स बने हैं, कई कई जगह पर पाइपलाइन आधी डाली हुई है। तो ऐसे सब काम बंद कर दिए, और ये काम बंद करने के वजह से ये जनता को तकलीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये चिंता है जनता की, और इसी की वजह से आज पूरे महाराष्ट्र में आज 288 विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह पर आज ये आंदोलन है, धरने आंदोलन है। साथ में महाराष्ट्र में 3 महीने में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये महिलाओं के अत्याचार को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग तहकीकात नहीं कर पा रहे हैं, और कोई मुजरिम को पकड़ के उसको सजा नहीं दिलवा सके आज तक। हमारे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने भी यहाँ तक कि जो हिंगन घाट में जो महिला का मृत्यु हुआ, उनको जलाकर उनको मार दिया गया, ऐसे महिला को अभी तक न्याय मिलने में उन्होंने कोई भी पैर नहीं उठाया कुछ भी। दसूरी जी, ये बता कि जिस प्रकार से आज आपने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने किसानों को कर्जा माफ नहीं किया, बार बार आप ये रट लगा रहे हो, यदि वो आपकी मांगों को और दरकिनार करते, मंजूर नहीं करते, तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? आज हमने सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ धरने आंदोलन चौक चौक में या तहसील कार्यालय में आज हम लोग कर रहे हैं। अगर ये 15 दिन में अगर ये नहीं होता है, या फिर ये सेशन खत्म होने तक अगर नहीं होता है, तो हम लोग रास्ते पर उतर के ट्रैफिक जाम, रेल रोको, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे, हमारे सब कार्यकर्ता पूरी तैयार है, पूरी तैयारी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग इस सरकार को दिखा देंगे कि ये महाबोगस आघाड़ी जो है ये सही में महाबोगस आघाड़ी ही है। तो इस प्रकार की बात देवेंद्र दसूरी इन्होंने क्या है, इनका ये मानना है कि यदि महाविकास आघाड़ी सरकार इनके और ध्यान नहीं देती, इनको मांगों को दरकिनार किया जाता है, तो आने वाले दिन में रेल रोको या और भी जो तमाम जो चीज़ें जो आंदोलन के इनके जो कामकाज है वो किए जाएंगे, जिसके चलते चक्का जाम से लेकर ऐसे यानी पूरी यातायात यानी सब प्रभावित हो सकता है, पूरा जनजीवन जो है वो समय पूरा खड़ा हो सकता है। ऐसे में शहर का जो किसी राजनेता का ध्यान नहीं है, चाहे विरोधी हो या सत्ता पक्ष हो, हर किसी ने किसान के जीवन संवर्धन का ध्यान देना चाहिए, यही समय की मांग है, क्योंकि भारत यह कृषि प्रधान देश है। संविधान चौक सक्करदरा चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज नागपुर।